ये शादी कर ली है आप? हाँ और बोलते हाँ सही में शादी कर लिया क्या? सही में कर लिया, देख लीजिए सिंदूर पहने। कुत्ता का काम है भूकना, भू 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 करते रहता है, हम कुत्ता के पीछे थोड़े जाएंगे। जो बोला वो कुत्ता है? अरे जो भूकता मेरे बारे में कुत्ता ही है ना अपन। नहीं काज का ची लायक है जो हम प्रतिक्रिया प्रतिक्रिया दे है? क्या लायक है? कोई लायक नहीं। नहीं मेरे को बदनाम करना चाहता है तो कर ले। नमस्कार, मैं संतोष यादव और आप देख रहे हैं ट्रेंड न्यूज़। पर हमारे साथ मौजूद है आपके चहेते और हमारे चहेते मुस्कान किडी, जो अभी शादी कर ली है, क्या हकीकत बात है जानेंगे। पहले स्वागत है ट्रेंड न्यूज़ में। सबको नमस्ते, इस चैनल के माध्यम से दर्शक देख रहे सबको पैसे के प्रणाम। ये शादी कर ली है आप? हाँ और बोलते हाँ सही में शादी कर लिया क्या? सही में कर लिया, देख लीजिए सिंदूर पहने। सही सही बताइए ना, शादी कर लिया क्या? नहीं पब्लिक के नजर में तो कर लिया, उन सबको अच्छा लगा। नहीं वो आशीष जी का गाना शूट हो रहा था ना, तो ऐसा सीन था तो सबको लगा कि शादी हो चुका है, तो सबका खुशी में मेरा खुशी, सब अगर स्टोरी लगा के खुश हो सकते हैं कि मुस्कान जी का शादी हो, तो हम भी मेंशन एक्सेप्ट कर दिया। ठीक है ठीक है। तो नवीन बाबा के साथ आपकी शादी होगी? हाँ। देखिए अभी बहुत बड़ा खुलासा हो रहा है कि मगही में मतलब एक जाने माने एक्ट्रेस मुस्कान केटी का शादी हो गया। वीडियो में, रियल में नहीं। रियल में। वीडियो में हुआ जी? हाँ। काफी ज्यादा वायरल हो रहा है, क्या बोलिए? बहुत ज्यादा वायरल। आपको खुशी हुआ कि मतलब नाराज है उस शादी से? खुशी है, क्यों नाराज रहेंगे, अच्छा लगा। हाँ तो रियल में शादी करने का मौका मिलेगा उसे? तो उसे क्या, शादी तो होगा ही आज ना कल तो होगा। उसी से होगा? नहीं उनसे नहीं होगा, किसी से भी होगा। अपना नसीब तो नहीं देखा, कहाँ जाएगा मेरा नसीब। कैसा लड़का आपको पसंद है? आप जैसा मिल जाए, जैसा माँ बाप खोज दे। तो यू आपका क्या रिक्वायरमेंट रहेगी? मेरा नहीं है, बस माँ बाप का पसंद मेरा पसंद। आपका मतलब बॉयफ्रेंड है ना? ये सब काम ना करते हम। बॉयफ्रेंड नहीं है? नहीं। कितना बार झूठ बोलते हैं आप दिन में? नहीं करते हम। कितना बार झूठ बोलते? झूठ तो नहीं बोलते। ये अभी पहले एक नंबर में अभी झूठ बोल रहे हैं? नहीं नहीं है। चलिए कोई बात नहीं, आप लोग समझते होंगे भावनाओं को। बाकी बात, मुस्कान केटी का शादी हो गया, आप लोग जान ही रहे हैं, काफी ज्यादा फोटो वायरल हो रहा है। हाँ और आप सब बताइए कैसे हैं, मतलब जोड़ी कैसा लगा आप लोग कमेंट में बताइए। हाँ। और पूछेंगे कि कैसा कैसा प्रोजेक्ट आ रहा है आशीष यादव के साथ आपका? आया तो है, गाना अच्छा लग रहा है सुनने में, अच्छा गाना है, मेरे को बहुत अच्छा लगता है। प्लीज प्लीज जो गनवा आया है वही ना? नहीं चेहरवा के जान शीशा से चेहरवा दो नहीं यार, अच्छा लगता है। अच्छा लगता है मेरे को तो बहुत। सही में घटना उस तरह नहीं, ऐसा तो नहीं हुआ। ऐसा नहीं हुआ? नहीं, गाना गाना होता है। और क्या कई मतलब अभी बनारस शायद गए थे आप लोग, बनारस में कैसे कैसे गाना शुरू हुआ? नहीं हम नहीं गए बनारस जी। फिर भी आपका अपकमिंग प्रोजेक्ट आशीष यादव के साथ कैसा कैसा गाना आया ये बताइए। और गाना रिलीज किया है, सैड सॉन्ग है कि मतलब? सैड सॉन्ग है ये सारा। अच्छा आप सेट सॉन्ग में ज्यादा क्यों काम करते हैं? क्योंकि सेट सॉन्ग में पब्लिक हमको बहुत पसंद करते हैं। जितना गाना आप सेट सॉन्ग में काम किया सब ब्लॉकबस्टर साबित हो जाता है। हाँ। इसे जोड़ाया जाए जैसे हरदिया रे और तमाम लग लो हरदिया सॉन्ग, तमाम इस तरीके के जितने भी गाने में काम कर देते हैं सेट सॉन्ग में। हाँ। सब गाने सुपर हिट मतलब साबित हो जाता है, क्या बात है। बस पब्लिक का प्यार है आशीर्वाद। कहीं कहीं ये सब मतलब गलत डायरेक्शन में जाता है कि लोग सही उनके साथ घटना हुआ है कि सेट सॉन्ग में ज्यादा धोखा मिला? नहीं अब पब्लिक देखिए किसी को क्या चीज में पसंद कर लेगा पब्लिक ये नहीं पता है, हमको ज्यादा सेट सॉन्ग में पसंद करते हैं तो और क्या। काफी ज्यादा मतलब आपका गाना जो है वीडियो वायरल होते हैं, जो भी जिनके साथ आप काम करते हैं उनके साथ काफी ज्यादा वीडियो सेट सॉन्ग में काफी ज्यादा वायरल होता है। और एक बार अच्छी बात आपके बारे में बता दिया जाए तो जितने भी मतलब सेट सॉन्ग में आप काम करते हैं एज अ मतलब रिव्यू के हिसाब से बताया जाए तो बहुत काफी अच्छा लगता है और कहीं ना कहीं रियल आप ढल जाते हैं, रोने उने लगते हैं। नहीं हम लोग सही बस ऐसे मुंह बनाते हैं, कैमरा में लगता है कि बहुत रो रही है मुस्कान, पर रोते नहीं हम, लेकिन बहुत अच्छा लगता है वीडियो में। और क्या कुछ बोलिएगा आशीष यादव के बारे में? क्या क्या बोलूं उनके बारे में, मतलब अभी उनको पुत्र भी हुआ, उस क्या बोलिएगा? वो तो अच्छा बात है, हमको भी खुशी है, आशीष भी बहुत अच्छा इंसान है। अच्छा रियली में बोले तो बहुत अच्छा इंसान है, दिल का भी बहुत अच्छा इंसान है। और जिससे शादी हुआ, जिससे शादी हुआ वो भी बहुत अच्छा इंसान है। अच्छा सब आशीष जी बहुत अच्छे इंसान है, इसलिए ना कि हम दोनों मतलब कि काम करते हैं ना
तो फिर नहीं होता है कि कोई हम स्टार के साथ काम कर रहे हैं। अभी तो स्टार बन गया लगता है ना कि मतलब कि कोई मतलब घर द्वार का इंसान के साथ काम करते हैं। शुरू से ही हम दोनों काम करते आए जम्मू से ही, मतलब दोनों का फील नहीं होता है। अच्छा लगता है, हमको बहुत अच्छा लगता है। वो इंसान जो है ना बहुत अच्छा है, ज्यादा दिल के बहुत साफ है। लेकिन आपके बारे में बहुत सारे लोग बोलते रहते हैं मुस्कान केडी को, हम ऐसे किया हम ऐसे किया, उसको क्या बोलिएगा? अरे बोलने वाले तो बोलते रहते, उसका मुंह थोड़े पकड़ के रहिएगा। कुत्ता का काम है भूकना, भू 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 करते रहता है, हम कुत्ता के पीछे थोड़े जाएंगे। जो बोला वो कुत्ता है? अरे जो भूकता मेरे बारे में कुत्ता ही है ना अपना। नहीं का लायक है जो हम प्रतिक्रिया प्रतिक्रिया दे है? क्या लायक है? कोई लायक नहीं। नहीं मेरे को बदनाम करना चाहता है तो कर ले अपना, जो मतलब कितना महंगा टाइम निकाल के मेरे लिए फालतू टाइम निकालता है। कोई भी रैम किसी का नाम नहीं बोलता, कुत्ता है भूखते रहता है, उसके पीछे हम जाए अपना जिंदगी बर्बाद कर ले। पीछे जा जाके ओकर टेंशन हम सुनेंगे, का बोल रहा है दिमाग में लेंगे तो हम काम कर पाएंगे? कुत्ता भूखता है भूखने दीजिए, उसके पीछे जाके क्या फायदा? बहुत बड़ा बात बोल रहे हैं, लेकिन कुत्ता बोल रहे हैं। हम किसी को नाम लेके थोड़े बोल रहे हैं। अच्छा जो भी मेरे बारे में बोलता है, कुत्ता का काम है भूखना, भूखिए। अच्छा बस हम नहीं उतना जानते। आप उसके ऊपर प्रतिक्रिया नहीं दीजिए, उसको आप कोई लायक नहीं समझते? मेरे बारे में जो गलत समझता है ना, उस इंसान को हम जिंदगी में भी कोई लायक नहीं समझेंगे, नहीं समझते हैं। अच्छा। सो बात की एक बात, क्योंकि हम किसी का किसी के बारे में गलत नहीं जाते बोलने, नहीं जाते हैं समझने। आज तक मेरे मुंह से किसी के बारे में सुने हैं, लेकिन नहीं, नहीं। कोई इंसान मेरे बारे में बोलता है तो आप चुप क्यों रहिएगा? हमको फर्क नहीं पड़ता है। नहीं पड़ता? नहीं। तो आपके बारे में कोई कुछ बोल देगा, आप कुछ नहीं बोलिएगा? बोलने दीजिए, उनका काम है। अगर हम मेरे बारे में तो दुनिया बोलता है, अगर हम क्या बोले? कुत्ता के पीछे जाएंगे तो हमको काटबे ना करेगा, अगर पीछे साइड जाएंगे तो काटेगा नहीं काटेगा? नहीं काटेगा। तो क्या फायदा? जो देखिए जो बोलते हैं जो करते हैं अपने लिए करते हैं, एक समय उनको भी पता चल जाएगा। हम नहीं जानते उतना, जिनको जो बारे में बोलना है बोलने दीजिए, क्या मतलब है बोलिए, हमको टेंशन नहीं है। चलिए ठीक है, कहीं ना कहीं आप अपना मतलब ये सब चीज मेंटेन करके रखते हैं, अच्छा लगता है। किसी के प्रति कुछ बोलते नहीं है? हम नहीं किसी के बारे में आज तक बोले हैं, नहीं किसी के बारे में आज तक सोचते हैं, नहीं किसी को हम कुछ बोलते हैं। तो मेरे बारे में हम इतना ही बोलेंगे, हाथ जोड़ के मेरे बारे में ना बोलिए। अपना जो मेहनती टाइम है ना, वो मुस्कान के पीछे मत बर्बाद कीजिए, अपने काम के पीछे बर्बाद कीजिए, मेरे पीछे मत बर्बाद कीजिए। खैर छोड़िए, और जो है आपका शादी के बारे में लास्ट में क्या बोलिएगा? शादी सही में हुआ है या फिर किसी क्या मैटर है? आप सब सीरियस नहीं लीजिएगा, शादी सही में नहीं हुआ है। हम सबका गाना हो रहा था आशीष जी का, जो कि गाना रिलीज हो चुका है, वही गाना का शूट था, तो ऐसे ही सब फोटो क्लिक कर कर करके लगा दिए थे। काफी वायरल हो गया लेकिन? हाँ काफी वायरल हुआ है, हम तो खुद अपना इंस्टा से लगाए सबको, मेंशन पूरा। अभी मेरा इंस्टा चेक कीजिएगा, देखते देखते आपका हाथ दर्द होने लगेगा। तो ना है मेंशन, सबको मेंशन क्यों कर? हम कभी करते नहीं है, मतलब कुछ ज्यादा कोई वीडियो अच्छा लगता है ना, मेरे को भी अच्छा लगता है, पब्लिक को भी, तो ज्यादा ही मतलब कि मेंशन करने लगते हैं, तो हम एक्सेप्ट कर लेते हैं। बहुत अच्छा लगता है जब आप एक्सेप्ट करते हैं किसी का, आपको फैन चाहने वाले का अच्छा लगता है? हमको भी अच्छा लगता है, कितने आदमी हमको चाहते हैं। अच्छा रोज मेंशन आप लोग को करता होगा बहुत ज्यादा? मेरे को तो रोज करता है, पर हम नहीं करते, पर इधर से हम कर रहे हैं, शादी वाला जो है ना। अच्छा। वो वाला ज्यादा वीडियो कर रहे हैं। कितना अच्छा है, मतलब तरीके से बोल रहे हैं, बहुत अच्छा लगता है बातचीत करके। जब भी बात करते हैं मुस्कान केडी जी से अच्छा लगता है, और कहीं ना कहीं मगही में बहुत अच्छे से काम भी करते हैं, और तमाम मगही के बड़े बड़े गानों में आप काम किए हैं, कैसा लगता है? अच्छा लगता है। खैर जैसे जैसे इनसे बात कीजिएगा वैसा ही बात करेगा, प्यार से बात कीजिएगा प्यार से बात करेगा, और बाकी बात जो इनके बारे में बोलिएगा उनको सुनाएगा भी नहीं। खैर बहुत बहुत धन्यवाद आप बातचीत करने के लिए, और क्या कुछ बोलिएगा लास्ट में? बस लास्ट में यही है कि मेरे पीछे ना अपना इतना महंगा टाइम बर्बाद कीजिए, अपना काम धंधा कीजिए। जो भी मेरे बारे में गलत सोचते हैं, हम किसी के बारे में नहीं गलत सोचते, नहीं किसी के बारे में गलत बोलते हैं, और जो हमको प्यार करते हैं आप सब ऐसा ही कीजिए। और कमेंट में जरूर बताइए कि हम क्या गलत बोलते हैं किसी के बारे में। हम आज तक किसी के बारे में कुछ नहीं बोलते, मेरे बारे में क्यों कोई किसी के मेरे बारे में बोलेगा? आप ही सब बताइए, तो हमको कुछ दिखाइए ना कि आप मुस्कान यहाँ पे बोले हैं ना, हम नहीं किसी के बारे में बोलते, तो मेरे बारे में क्यों बोलिएगा जी? बस इतना ही बोलते हैं, हमको बहुत खराब लगता है मेरे बारे में कोई बोलता है अंदर से कि किसी के बारे में आप कुछ नहीं सोचेगा, आपके बारे में इतना गंदा सोचेगा, कैसा फील होगा? चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, और आप लोग से अनुरोध रहेगा मुस्कान केटी का, मेरा नहीं मुस्कान केटी का, आप लोग कुछ नहीं बोलिए, और बहुत बहुत धन्यवाद, आपसे बातचीत करके बहुत अच्छा लगा।